अभी सब्जी की शॉपिंग हो चुकी है एंड अभी चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी वाइफ बना रही है वेज फ्राइड राइस। बहुत लोगों ने डिमांड किया कि यार वेजिटेरियन रेसिपीज भी बनाओ, तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ वेज फ्राइड राइस। तो चलिए जानते हैं उसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, फ्राइड राइस के लिए पहले आपको कुक्ड राइस चाहिए रहेगा। ये मैंने बना के पूरा रखा हुआ है 200 ग्राम। और सब्जियां मैंने जो ली है मेरे हिसाब से ली, आप लोग आपके हिसाब से सब्जियां ऐड कर सकते हो। तो ये है कैप्सिकम, ये है कैबेज, ये है कैरेट, ये स्प्रिंग ऑनियन वाला ऑनियन है, ये बीन्स है, ये स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते हैं, और ये है गार्लिक एंड थोड़ा सा जिंजर। और कढ़ाई को हम लोगों ने गरम रखा है। तो सॉसेस मैंने लिए विनेगर, डार्क सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस और सिराचा सॉस। तो ये सिराचा वाला ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लोग लोगे तो आपको बहुत ही और टेस्ट मिलेगा और काफ़ी अमेजिंग बनेगा आपका फ्राइड राइस। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रेसिपी। तो वेजिटेबल आप लोग आपके हिसाब से ले सकते हो, जैसे मैंने लिए। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे अगर आप लोगों को कैप्सिकम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, या फिर कैरेट नहीं डालना तो कोई बात नहीं, ये तीन में भी हो जाएगा, या फिर ये तीन में भी हो जाएगा और ये दो नहीं लेने, ये सब आपके ऊपर है। बट ट्राई कीजिए, अगर ये सब वेजिटेबल हो तो अमेजिंग है। तो चलिए अब रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप लोगों को कढ़ाई लेनी है, और फिर जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, और अच्छे से होगा। और गैस को सिर्फ धीमी आँच पर रखना है आप लोगों को, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसके अंदर क्या डालना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक, और अभी हम लोग डाल रहे हैं बाकी के वेजिटेबल्स। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिए। तो कैरेट और बीन कुक होने के बाद आप लोग डालिए कैबेज और कैप्सिकम, क्योंकि कैबेज और कैप्सिकम है ना जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए अभी ये सब डालेंगे हम लोग, क्योंकि ये जल्दी कुक होने वाला है। अब कुकिंग करते वक्त थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन भी डाल दीजिए, और इवन थोड़ा सा हमको बचा के रखना है गार्निशिंग के टाइम पे। तो एक चम्मच अभी हम लोग डाल रहे हैं रेड चिली सॉस, और आधा चम्मच विनेगर, और एक चम्मच सोया सॉस, और अभी डालेंगे मेरा फेवरेट सिराचा सॉस, पूरा एक चम्मच भर के डाल रहे हैं हम लोग। वाव, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्या खुशबू आ रही है, एकदम हेल्दी और टेस्टी, पूरे वेजिटेबल के साथ हेल्थ से भरा, न्यूट्रिएंट से भरा, हर चीज से भरा, एकदम हरा भरा। फाइनली अब हम लोग डालेंगे राइस, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वाओ, सुपर। अब इसको 5 मिनट तक सिर्फ ऐसे मिक्स करना है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कुक्ड राइस डाला है, इसलिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम लोग इसके साथ इसको गार्निश करेंगे एंड रेडी टू सर्व। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नमक अब तक क्यों नहीं डाला, बट गाइस जो सॉसेस मैंने दिखाया उसमें काफ़ी नमक थोड़ा बहुत होता है, तो इसलिए मैंने अब तक नमक नहीं डाला है। अभी टेस्ट करेंगे थोड़ा, और फिर नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बस, ये आधा चम्मच हम लोग इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। अभी बचा हुआ स्प्रिंग ऑनियन हम लोग इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं। वाओ, नाइस। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो फ्राइड राइस रेडी है, और अभी इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। सुपर, अमेजिंग, जरूर ट्राई करना, और आपके फैमिली को भी खिलाना। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।